गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वंदा परमार एंड वेलकम टू माय चैनल एचओ स्मार्ट। आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का। हम पीछे दो पॉइंट पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पल्मोनरी वेंटिलेशन, सेकंड हमने पॉइंट पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड को ट्रांसपोर्ट किस तरह होगा। आज हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। ऑक्सीजन का 3% ओनली वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। वाटर जो प्रेजेंट है कहाँ पे, सेल्स के पास और प्लाज्मा के पास, क्योंकि ये इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ में कम होती है, तो इसीलिए यहाँ ओनली 3% ऑफ ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट हो पाती है। 97% ऑफ ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी और टिश्यूज तक पहुंचाई जाएगी। अब ब्लड में जो फैक्टर होता है हीमोग्लोबिन, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है हीमोग्लोबिन, इसके पास में 4 ferrous ions प्रेजेंट होते हैं। 4 ferrous ions प्रेजेंट जो है यही ऑक्सीजन को बाइंड करेंगे। 4 ferrous ion होने के कारण 4 oxygen molecules यहां बाइंड करेंगे। ओके, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है इसे हमने नाम दिया है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। एक बात पे ध्यान देना, जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है तो फेरस अपने फेरस फॉर्म में ही रहता है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोसेस को ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीडेशन नहीं कहेंगे, बिकॉज फेरस अपने फेरस फॉर्म में ही है, इसीलिए ये प्रोसेस है ऑक्सीजनेशन। अब हम देखेंगे जो ऑक्सीजन के बाइंड करने की कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करेगी, एफिनिटी, उसकी एफिनिटी डिपेंड करेगी पीएच पर, डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, डिपेंड करेगी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे, डिपेंड करेगी और डिपेंड करेगी डाइफॉस्फोग्लिसरेट पे। डाइफॉस्फो 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ये चारों पॉइंट ध्यान रखना, नीट में क्वेश्चन पुट हो चुका है यहां से। ओके, अब टिश्यूज को जब ये ब्लड पहुंचाया जाता है तो टिश्यूज के पास में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, क्योंकि टिश्यूज कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं और उनकी कंटिन्यूस वर्किंग के कारण वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है, वहां ऑक्सीजन उनको यूज के लिए चाहिए। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जब वहां पहुंचती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर के क्या होगा, बढ़ा होता है, इसीलिए वहां क्या होगा, ऑक्सीजन को दिया जाता है, वहां ऑक्सीजन दी जाती है, ऑक्सीजन लिबरेट होती है और हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है। मैंने पहले यहां बताया था ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, टिश्यूज को जरूरत थी, ऑक्सीजन लिबरेट कराई और हीमोग्लोबिन अगेन फ्री है वापस से हीमोग्लोबिन के बाइंड करने के लिए। ओके, अब हम यहाँ एक बात करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की। नीट में यहां से कई क्वेश्चंस पुट होते हैं, आई मीन टू से दैट 2007 में, 8 में, 9 में, इस तरह से 2 या 3 क्वेश्चन ही पूरे रेस्पिरेशन से पुट होंगे, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से भी पुट हो सकता है। तो देखो यहाँ मैंने दिखाया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे दिखाया है हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन परसेंटेज दिखाया गया है। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होगा, ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग की। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है तो भी देखो कितना यहाँ पे सेचुरेशन बढ़ा है, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है पार्शियल प्रेशर, MMHg में देखा जाता है पार्शियल प्रेशर को, 30 MMHg पे 50% ऑफ सेचुरेशन हो चुका है हीमोग्लोबिन का, लेकिन 30 से ओनली 10 आगे जाते ही 40 MMHg तक यहाँ 75% ऑफ सेचुरेशन हो चुका है हीमोग्लोबिन का। अब आपको ये शो कर रहा है एक एस शेप का कर्व शो कर रहा है, इसीलिए इस कर्व को कहा जाता है सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ओके, जब यहां टिश्यूज के पास में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है तो क्या होता है, ये कर्व राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। फिर 4 फैक्टर्स बता रही हूं, एच आयंस अगर बढ़ रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर बढ़ रहा है और 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट अगर इंक्रीज होगा तो ये कर्व राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, यहां इस तरह से ये कर्व
यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसे हम राइट शिफ्ट बोलते हैं। और जब राइट शिफ्ट होता है तो एफिनिटी कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाएगी, ये इससे बाइंड कर नहीं पाएगा। और वो क्यों नहीं कर पाएगा, एक पॉइंट में यहाँ क्लियर करूंगी आपको, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड ना करके हीमोग्लोबिन एच आयंस से बाइंड करने लगता है। और ये एच आयंस कहाँ से आते हैं, जब H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करते हैं, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ बाइंड करती है तो बनाती है H2CO3, और इसके डिसोसिएशन से, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और इसके डिसोसिएशन से एच आयन फ्री होते हैं और HCO3 आयन, ये जो एच आयन है ये जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड करने लगता है, इसे कहेंगे बोर इफेक्ट। और इसके हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के कारण ये ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाता, मैं फिर से याद दिला रही हूँ, इसे कहेंगे बोर इफेक्ट कहेंगे। अगर आपसे बोर इफेक्ट का पूछा जाता है तो आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। ये है राइट शिफ्ट की बात। अब हम बात करेंगे इस सिग्मोइड करके लेफ्ट शिफ्ट की बात। जब यहाँ पर एच आयंस, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, डाइफॉस्फोग्लिसरेट डिक्रीज होते हैं, ये फैक्टर्स डिक्रीज हैं, तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड करने की एफिनिटी बढ़ जाती है, ठीक है, इसे हम कहेंगे लेफ्ट शिफ्ट। टुडेज माय लेक्चर इज कंप्लीटेड, मेरा ये 5th लेक्चर है, 4th लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दूंगी। बहुत से क्वेश्चंस नीट में यहाँ से पुट किए गए हैं, आप एक बार उसकी डीप स्टडी करना, ओनली क्वेश्चंस को रीड करना नॉट सफिशियंट थिंग, हर चैप्टर की डीप स्टडी जरूरी है। आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे अपकमिंग लेक्चर्स जानने के लिए उसे सब्सक्राइब आल्सो कीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।